हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। मेरा नाम अजय तलेजा है। हमारे यहाँ पे कैड कैम और सी एन सी मशीन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है, राइट। अभी मैं जो आज वीडियो बनाने वाला हूँ, वो वीडियो का मेन जो थीम है वो है जो स्टूडेंट्स हमें कॉल करते हैं ट्रेनिंग के लिए, उनके ना कुछ डाउट्स रहते हैं। तो वो जो डाउट्स रहते हैं लगभग लगभग सबके सिमिलर ही रहते हैं, ठीक है। अभी जो लोग डाउट पूछ लेते हैं कॉल करके, उनका तो चलो क्लियर हो जाता है, लेकिन जो लोग नहीं पूछते या कमेंट में नहीं लिखते तो वो डाउट में रहते हैं थोड़ा। तो मैंने सोचा कि ये वीडियो बना दूँ जिससे कि अलग अलग सभी का जो डाउट है वो दूर हो जाए। ओके, तो जैसे अभी मेरे पास क्या हुआ, एक कॉल आया स्टूडेंट्स का। उसका कहना ये था कि सर हम आ जाएंगे सीखने, ठीक है, हमने सीखना तो है ही है, लेकिन क्या आपके वहाँ पर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग रहेगा? क्या आपके वहाँ मशीन पर सीखने को मिलेगा? क्या हमारा वहाँ आने से सीएनसी मशीन पे हम जब ट्रेनिंग कर रहे हैं क्या हमारा नंबर आएगा उस पर? तो ये कुछ डाउट है वो एक ही स्टूडेंट्स के थे। तो देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि हमने जो ये मशीन ली हुई है, ये मशीन पे अभी हम इंडस्ट्री का कोई भी काम नहीं कर रहे, सिर्फ एंड सिर्फ स्टूडेंट्स को सिखा रहे हैं। तो ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी बात है। ये प्रॉब्लम पता कहाँ आती है? एक तो जहाँ पे इंडस्ट्री का काम हो रहा हो, जहाँ पे इंडस्ट्री का काम हो रहा हो तो वहां पे स्टूडेंट्स को सिखाने में कम कंसंट्रेशन रहेगा और प्रोडक्ट पे ज्यादा रहेगा। क्यों? जितनी ज्यादा प्रोडक्शन निकालेंगे उतना ज्यादा ऑटोमेटिक उनको प्रॉफिट होने वाला। तो अभी हमारे ऐसा जैसा कुछ भी नहीं है कि इंडस्ट्री का काम होता हो, सिर्फ एंड सिर्फ स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग रहती है। तो ये डाउट तो माइंड से निकाल ही दो कि भी हमें मशीन पे सीखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो 100% सीखने को मिलने वाला। दूसरा तो डाउट था कि सर ऐसा तो नहीं है कि काफी ज्यादा बच्चे रहते हैं तो हमारा नंबर आएगा या नहीं आएगा? वो अपने जगह बिल्कुल ठीक था। कई बार क्या होता है, हम सीख रहे होते हैं और वहां मान लो 30-40 बच्चे हैं, और वो 30-40 बच्चे हैं, एक जन वो ऑपरेशन करके देख रहा है, अब दूसरा जन करके देख रहा है, वो करते करते पता लगा टाइम ही पूरा हो गया, उसका नंबर ही नहीं आ रहा, या उसको उसका नंबर आने के लिए उसको कम से कम 3 घंटे वेट करना पड़ा, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारी प्रायोरिटी यही है कि चाहे कम स्टूडेंट्स का बैच बने, लाइक 10 से 12 स्टूडेंट्स का बैच बन जाए तो भी हम स्टार्ट करने वाले हैं, राइट। तो 10 से 12 स्टूडेंट्स रहेंगे तो क्या होगा, सभी को काम करने का चांस मिलेगा, हर एक का नंबर आएगा मशीन पे फंक्शन को यूज करने का। ऐसा नहीं है कि 3 जन का आया और बाकी जन का रहेगा ना, हर एक को करने को मिलेगा। बिकॉज देखो, एक स्टूडेंट इतनी दूर हमारे यहाँ सीखने आएगा, ऑब्वियसली उसने फीस तो दी हुई है, उसने फीस दी है किसी की, सीखने की दी है ना। तो इस करके आप पहले से माइंड से डाउट दूर कर दो, आपको सीखने तो मिलने ही वाला, 100% मिलने वाला। ओके, सेकेंडली क्या होता है, जैसे क्वेश्चन रहता है कि सर हम सीख लेंगे, क्या हमें जॉब मिल पाएगी, क्या हमें नौकरी मिल जाएगी? तो जिस सिटी में हमारा इंस्टीट्यूट है अहमदाबाद में, वो गुजरात का मेट्रो सिटी है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर ही रहते हैं, हमारे पास जॉब्स के ऊपर आती रहती हैं। अभी एट पेंट में बात करूं तो मेरे पास 4 से 5 सीएनसी ऑपरेटर प्लस प्रोग्रामर की जॉब है। इंडस्ट्री भी अच्छी है, सैलरी भी अच्छी दे रहे हैं, बल्कि मैं तो कहता हूँ ऐसा नहीं है कि जो लोग हमारे यहाँ से सीख चुके हैं या फिर जो सीखना चाहते हैं उन्हीं के लिए ऑफर है ना। अगर आपको प्रैक्टिकली सीएनसी मशीन पे काम करना आता है, भले आप फ्रेशर हो और अच्छा आपने सीखा हुआ है, तो वो भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सेकेंडली क्या होता है, जिन स्टूडेंट्स ने करना होता है उनको, सपोज करो हमने कोई एक डेट फिक्स कर दी कि इस डेट को बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, उनको आना भी है। अभी हमें उनके आने से पहले उनका रहने का, खाने पीने का अरेंजमेंट करना रहता है। तो मेरी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट रहती है कि देखो उनका कन्फर्म है उनके साइड से, राइट, लेकिन हमें उनके लिए रहने का व्यवस्था करना है, रहने का रूम का अरेंजमेंट करना है, जो दूर से हैं, आउट ऑफ अहमदाबाद के हैं, तो कम से कम वो एक रजिस्ट्रेशन फीस जमा करवा दें जिससे हमें एक ट्रस्ट बन जाए कि हाँ स्टूडेंट्स को आना है। ऐसा ना हो कि स्टूडेंट आए, हम उसके लिए रूम का अरेंजमेंट करें, खाने पीने का अरेंजमेंट करें और वो ना आए, तो उस केस में क्या होता है कि हमारी आगे रॉन्ग कमिटमेंट हो जाती है, राइट। तो इस डाउट में रहते हैं स्टूडेंट। अभी क्या हुआ, 2-3 दिन पहले मेरे स्टूडेंट से बात हुई, उसका कहना ये था
कि सर हम जब आएंगे तभी फीस दे देंगे। देखो हमें कोई इशू नहीं है, आप चाहे उस दिन आ रहे हो उस दिन फीस दे दो, कोई इशू नहीं है। लेकिन क्या एक हमें भी कंफर्मेशन हो, अगर हमें कंफर्मेशन होगी तो तभी हम आगे रूम का अरेंजमेंट करेंगे ना। हमें तो फीस आप आज भी देने वाले हो, कल भी देने ही वाले हो, हमें कोई इशू नहीं है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। लेकिन फॉर द नेक्स्ट कमिटमेंट जो हमने आपके लिए अरेंजमेंट करना है, तो हमें भी तो वहाँ पे क्लियर करना पड़ेगा ना कि हाँ हमारे इतने स्टूडेंट्स हैं उनको आना है और इस तारीख से लेकर इस तारीख तक हमें रूम का अरेंजमेंट चाहिए। तो हमें कन्फर्मेशन कब होगी, जब एक कुछ टोकन रजिस्ट्रेशन फीस आ जाएगी, 500 रुपीज़ है या 1000 रुपीज़ है, वो अगर आ जाए तो क्या है सारा का सारा सिस्टम आगे प्रोसीड हो जाता है हमारी तरफ से, ठीक है। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि वो डाउट में ना रहें, कि अगर वो डाउट में रहते हैं ना तो क्या होता है, वो मान लो ऑन द स्पॉट आ गए कि हाँ सर मैंने स्टार्ट करना है और मैं एक्स वाई जेड जो भी स्टेट है या सिटी है वहाँ से आया हूँ, तो क्या उस टाइम के लिए एकदम से अरेंजमेंट करना वो टिपिकल हो जाता है, ठीक है ना। अभी ट्राई करना कि इस तरह का अगर डाउट ना आए तो वो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट डाउट क्या रहता है स्टूडेंट्स का कि सर क्या मेरा अटेंडिंग एक महीने में कंप्लीट हो जाएगा, सर मैंने सिर्फ 10th किया हुआ है या मैंने 9th किया हुआ है या मैंने प्लस 2 किया हुआ है, तो मैं स्टडी में वीक था, क्या मैं ये सीख पाऊँगा, ऐसा तो नहीं है कि मेरे को एक महीने से ज़्यादा लग जाएगा। देखो 100% चांस तो यही है कि आप एक महीने में कवर कर लोगे, ठीक है 100%। इन केस हम नेगेटिव लेके चलते हैं कि आपका नहीं हुआ कंप्लीट या आपको एक महीने में समझ नहीं लगा, तो हमें कोई इशू नहीं है, आप रिपीट कर सकते हो, नेक्स्ट जो हमारा बैच स्टार्ट होगा उसमें ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है उसका। भले आपको ये लगे कि अभी नेक्स्ट मंथ में भी नहीं हो पा रहा तो थर्ड में कर लो, लेकिन ये चीज़ ऐसी है, ये CNC मशीन जो रहती है ये प्रैक्टिकल है, इस पर आप अगर टाइम देते हो डेली तो ऑटोमेटिकली आप उसको सीखने ही वाले हो, ठीक है। हाँ थोड़ा टाइम लगता है सीखने में, लेकिन उसके इसमें क्या करना है आपको, सपोज करो आपने हमारे यहाँ क्लास लगाई, जब आप रूम पे जाते हो तो आपने जो हम वीडियोज़ बनाते हैं वही वीडियोज़ आपने रूम पे जाके भी देखनी है। इससे क्या होगा 100% आप टच में रहोगे, रूम पे भी टच में रहोगे और यहाँ भी टच में रहोगे। अब अगर आप एक महीने के लिए यहाँ पे आ रहे हो तो ऑब्वियसली माइंड में ये तो है ना कि मेरे को अच्छे से सीखना है और सीखने के बाद तुरंत जॉब भी करनी है, राइट। तो इस करके यहाँ भी टाइम देना है, रूम पे भी टाइम देना है, सो दैट आपका जो विजन है वो कंप्लीट हो जाए, ओके। तो अभी तक जो स्टूडेंट्स के डाउट आ रहे थे मैंने आपको बताया, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है जो हमारे यहाँ ट्रेनिंग करना चाहता है तो मेरे को कॉल कर सकता है, अपनी सीट बुक कर सकता है। प्लस जैसा कि मैंने आपको बोला कि आपका 100% अगर श्योर है तो आप 500 रुपीज़ या 1000 रुपीज़ जितना जो है वो डिपॉजिट करवा दो एज ए रजिस्ट्रेशन फीस, सो दैट हमें कन्फर्म हो जाए और हम आगे आपके लिए जो है रहने का बंदोबस्त या खाने पीने का बंदोबस्त वो कर दें, ओके। सो और भी कोई डाउट हो तो आप मेरे को सामने से कॉल कर सकते हो, ओके। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।